वनांचल क्षेत्र के ग्राम सालेवारा में विगत दिवस एक स्कूली छात्र ने अपने ही सहपाठी को कोल्ड ड्रिंक बॉटल से हमला कर दिया, जिससे छात्र के सिर और पीठ में चोट आई है। वहीं दूसरे छात्र के चेहरे पर मामूली चोट आए हैं। परिजनों ने इसकी शिकायत सालेवारा थाने में किया है, लेकिन पुलिस ने इस मामले को पुलिस हस्तक्षेप से अयोग्य एवं संज्ञेय अपराध का घटित होना बताकर माननीय न्यायालय के समक्ष शरण लेने की राय पीड़ित परिवार को दी है। नमस्कार, मैं रवि रजक छत्तीसगढ़ विजन टीवी से, और हम इस वक्त आए हैं वनाचल क्षेत्र के ग्राम सालेवारा में, सालेवारा शासकीय हाई स्कूल में, जहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं 29 अगस्त का दिन इस स्कूल में एक खूनी वारदात हुआ था। स्कूल के छात्राओं के बीच में, 12वीं के जो छात्र थे उनके बीच में कुछ पहले से टूटी महमे का विवाद था, और उस विवाद को लेकर एक खूनी वारदात हुआ था। स्कूल के छात्र के द्वारा अपने ही एक दोस्त को कोल्ड ड्रिंक का जो बॉटल आता है उस बॉटल से सर के पीछे हमला किया गया था, और उसके बाद उनके पीछे कंधे में हमला किया गया था, जिसमें कंधे और सर में एक गहरी चोट आई है, और प्राथमिक उपचार के बाद उनको घर भेज दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर परिवारजन और स्कूल प्रबंधन के द्वारा शिकायत तो दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक कोई जो हमलावर है उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, और अभी तक वो बिंदास बाहर घूम रहा है। परिजन का और सूत्रों से प्राप्त जानकारी मिला है कि स्कूल के छात्र छात्राएं इस पूरे मामले को लेकर दहशत में है, उनको डर बना हुआ है, उनके अंदर डर बना हुआ है कि ऐसी वारदात हुआ है, कल के डेट में फिर एक ऐसी वारदात अगर होता है तो उस डर के दहशत में वो स्कूल आ रहे हैं। और ऐसी जानकारी मिला है कि अगर उस बच्चे के खिलाफ कोई कड़ी एक्शन नहीं लिया जाता, कड़ी कार्रवाई नहीं होता है, तो एक बड़ा आंदोलन का रूप तैयार करके एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें चक्का जाम हो सकता है, हड़ताल हो सकता है, थाना के घेराव हो सकता है, और बहुत से जो आंदोलन की रूपरेखा है वो तैयार करके एक आंदोलन करने की तैयारी की जा रही है। एक शासकीय स्कूल में इस प्रकार का घटना होना कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन की भी लापरवाही सामने आती है। कारण इसका ये कहने का ये है कि इससे साफ जाहिर होता है कि स्कूल प्रबंधन के द्वारा बैग को जांच नहीं किया जाता, बच्चे मोबाइल लेके आते हैं, और नहीं जांच करने की वजह से आज वो जो छात्र है बिंदास बिना किसी डर के स्कूल में बॉटल लेके घुस गया, इतना बड़ा हमला कर दिया। सीसीटीवी कैमरा लगा है, वो भी मात्र एक जगह लगा है, जिसमें वारदात की कोई घटना नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि वो बहुत दूर है स्कूल से। धन्यवाद। गौरतलब हो कि 29 अगस्त को सालेवारा हाई स्कूल के नाबालिग छात्र ने स्कूल के अंदर अपने ही स्कूल के छात्र के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद परिजन और स्कूली छात्र दहशत में हैं, और बताया जा रहा है कि घटना के बाद नाबालिग हमलावर युवक के द्वारा फिर से जान से मारने की बात कही जा रही है। वहीं परिजन बता रहे हैं कि उनका एक ही बेटा है, और इस घटना के बाद डर के मारे वो अपने बेटे को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। उस दिन का घटना हुई थी, तोर साथ में कैसे तेला बता बेटा। 28/8/2022 को मैं स्कूल गया, सुबह प्रार्थना अटेंड किया, उसके बाद सब बाथरूम गए, क्लास गए, उसके बाद क्लास में बैठे, सर गए थे प्रश्न क्वेश्चन लाने के लिए। उस दिन टेस्ट पेपर था, खादी का लड़का एवेन पीछे में बैठा था और मेरे सर पे बोतल से हमला किया। कौन लड़का था, नाम हम पता एवेन, है एवेन एवेनपुर एवेन धर्मगढ़े पीछे में बैठा था, वही मारा। उसके बाद मेरे सहपाठी मतलब पास में बैठा था, उसके चेहरे पे यहाँ लगा है। मारने का कारण क्या था? मारने का कारण था छोटा मोटा झगड़ा, वो स्कूल में झगड़ा हुआ था शुक्रवार, उससे पहले किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? टेबल के बाद से झगड़े हुए थे, उसके बाद सर ऑफिस में ले गए और समझौता किया, उसके बाद सब शांत हो गए। उसके बाद स्कूल गया तो बोतल मार दी। कौन सा क्लास में पढ़ते हो दोनों? सभी भी आल्ट दोनों। तो सिर में मारने के बाद पीठ में फिर पीठ में पीछे तरफ उसी दिन तो सिर में मारने के बाद फिर उसमें, तो पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं? लड़के को छोड़ दिए नाबालिग है कर। क्या क्या मामला बना है, कुछ पता चला है? पता नहीं उतना, लेकिन नाबालिग है करके छोड़ दिए हैं उनको। तो आप लोगों का जो रिपोर्ट है वो दर्ज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, दर्ज किए हैं। आप लोगों की और परिवार की क्या मांग है? सजा हुई उसको, वो फिर बोल रहा है फिर मार दूंगा आके जेल से छूट के, वो तो ऐसे ही छोड़ दिया, किसी दिन मार दिया था। कि फोन लगाई कि तो बेटा मार दे इसे करके, तो मैं यहाँ स्कूल में आया हूँ तत्काल, तो आगे दिन हॉस्पिटल में देखें पूरा खून खून रही से, और बाद में दिन फिर मैं थाना गया हूँ,
थाना में रिपोर्ट लिखायो और बाद में मास्टर के कोई जानकारी नहीं हुई और तो फिर यहाँ फिर पता करें तो बुधवार के यहाँ मास्टर में रिपोर्ट करी और बाद में आज गए में यहाँ तो आज वहाँ के पावती मिली इसकी और यहाँ के जो थाना प्रभारी हो मतलब यहाँ से हमारा काम नहीं है ये नहीं हो सकता ऐसे करके बोले मैं। तो वो लड़का की गिरफ्तारी होएगा? लड़का गिरफ्तारी नहीं हुआ। काय में मारिस लड़का है? किसे मारिस? बाटल में मारिस पाछू तरफ ले आगू में लड़का बैठे रही से। तो आपके लड़का कौन से हिस्सा मारिस हो? ये पहले मुगला मारिस ओकर बाद में फूटिस तो मतलब पीठ लवार करी। अगर आगे कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आप मन के द्वारा क्या करे जाते? बिल्कुल आगे कार्रवाई करूंगा। क्या कार्रवाई करो? वहाँ जाऊँ मंत्रालय जाऊँ और कोर्ट जाऊँ हर जगह जाऊँ जब तक न्यायालय नहीं मिली तब तक। यदि गिरफ्तारी नहीं हो तो आप आगे का कदम उठाना चाहते हो? स्कूल में घेराव करना चाहता हूँ और मैं आदिवासी गुण हूँ अब जब तक के न्याय नहीं मिले जब तक के पंचायत जनप्रतिनिधि मन के गांव वाले मन के समर्थन है आपके गांव के? हाँ पूरा मत पूरा साथ में थाना वाना आ रही से? हाँ जाति वाले पूरा आ रही साथ में। नाम हो गांव का नाम बताना? नाम गोपाल टोला। आपके नाम हो गांव का? गोपाल टोला मोर सांगलाल मेरा भी नाम है। इस पूरे मामले पर अगर जल्द युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं किया जाता है तो एक बड़ा आंदोलन करने की बात कही जा रही है। वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि इस पूरे मामले पर जिस युवक के द्वारा ऐसी मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है उसके खिलाफ स्कूल से टीसी निकालने को लेकर चर्चा कर रहे हैं। लगातार उनको हॉस्पिटल लेके चला गया तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि डॉक्टर जो थे तो आनन फानन लंबे कर गए थे तो जो इलाज करने के लिए मना कर दिए पहले रिपोर्ट कीजिए उसके बाद ही पुलिस कार्रवाई होगा उसके बाद में इलाज करूँगा था। तो फिर हम मैं प्रिंसिपल सर को वहाँ से हॉस्पिटल से फ़ोन किया कि सर ऐसा सब बात है कि शिकायत कीजिए पहले रिपोर्ट कीजिए उसके बाद इलाज करूँगा करके फिर सर को फ़ोन किया फिर सर पहुँचे उसके बाद जो भी कार्रवाई हुई वो पुलिस के माध्यम से हुई। सर हमला करने वाला युवक बताते हैं कि आदतन बदमाशी टाइप से प्रवृत्ति का है क्या आप लोगों की इसकी जानकारी है? उसकी जानकारी तो नहीं था छोट मोट तो चलता ही रहता है ऐसा करके हम लोग उसको। और इस घटना के बाद कुछ एक्शन लिया गया? इस घटना के बाद वही बातचीत चल रहा था जहाँ तक मेरे जानकारी में मैं भी बोला था कि इस पर कार्रवाई किया करना है ऐसा करके और सर भी बोले कि टीसी वगैरह देना है उसके पालक को बुला करके तो उसी वही उतना ही संबंध में हुआ था चर्चा और आगे जानकारी मेरे को नहीं। जो हमला किया है बालक वो बालिक है कि नाबालिग है? नाबालिग है। सर जैसे यहाँ पे क्या स्कूल में सीसीटीवी कैमरा इस तरीके की कुछ व्यवस्था है? ये बरामदे बस लगा है। बरामदे बस लगा है। तो सर ये बालक जो है वो अपने बैग में बोतल लेके चला जाता है कथित तौर पर बीयर का बोतल या फिर ग्यू का बोतल तो ये कहाँ तक जाया जाए क्या स्कूल प्रबंधन इसके विषय में कुछ विशेष ध्यान नहीं देता बैग चेक करना या और क्या वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं? वैकल्पिक व्यवस्था तो उसके संबंध में ज़्यादातर सभी बच्चे का चेक नहीं कर पाते हम लोग ऐसा है। तो मोबाइल भी अलाउ होगा फिर स्कूल में आप लोग? मोबाइल के लिए मना करते ही है और तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी करते हैं पालक को बुलाते हैं फिर वापस करते हैं ऐसा। तो ये बोतल वाली घटना इतना बड़ा घटना आप क्योंकि आप क्लास टीचर हैं आपको आपके क्लास की जिम्मेदारी है काफ़ी तो आपके क्लास में घटना घटा है? वैसे हम समय समय पर चेक करते ही हैं जैसे कुछ संभावनाएँ होती है कुछ लगता है कि कुछ ऐसी हो सकती है। मार धार खून खराबी की इतनी बड़ी घटना हुई है सर। हाँ सर इस घटना के बाद से स्कूल प्रबंधन क्या एक्शन लेगी तब उसके संबंध में आप प्रिंसिपल सर क्या करते हैं स्कूल प्रबंधन के साथ मिलकर या सब मिलकर उच्च अधिकारी को शिक्षा विभाग के अवगत कराएं इस मामले से? उसके लिए लेटर बना रहे थे सर अब भेजे हैं कि नहीं भेजे मेरे जानकारी में नहीं है। सर अभी प्रिंसिपल सर अपने सीट में नहीं दिख रहे क्या कर रहे हैं? वो स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण छुट्टी के आवेदन मेरे को भेजे थे व्हाट्सएप में तो उसके माध्यम से पूरा अवगत हुआ है। आप विधिवत तरीके से जिला शिक्षा अधिकारी को उसको फॉरवर्ड किए हैं या नहीं किए हैं? पहले क्या बना रहे थे तो मैं समझौती भेज देगा करके तो मैं जानकारी दिया संतोष से तो भेज दिया करके। नाम और पद बताइए सर। मेरा नाम महेंद्र कुमार सर। बच्चे स्कूल पढ़ने आते हैं और शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार की घटना करना कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन की ढिलाई सामने आया है।
इससे साफ है कि स्कूल स्टाफ के द्वारा बच्चों के ऊपर कोई अनुशासन नहीं है, जिसकी वजह से आज स्कूल समय में स्कूल के अंदर इस प्रकार का खूनी वारदात हुआ है। गंडई से रवि रजक, सीजीविजन टीवी।